अनुराग अरे कोई आवाज कंफर्म करो। यस सर। अरे ये बताओ ये अरुण शुक्ला नहीं दिखाई देता है मेरे को किसी भी क्लास में, क्या बात है? क्लास नहीं करता है क्या? किसी की बात होती है इससे अरुण शुक्ला से? इसकी जीरो अटेंडेंस है अभी तक। है कोई जिसकी बात होती हो, फ्रेंड हो किसी का? किसी की बात मॉर्निंग किसी की बात होती हो तो उसको बताए भाई क्लास करे। बिल्कुल जीरो अटेंडेंस है, क्या चल रहा है इसका कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। कॉल करे मेरे को, मेरे को कॉल कर लेगा जो भी इससे बात करे, अरुण शुक्ला से। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आपका हो चुका है, ठीक है? अब क्या करना है, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ आप करेंगे, कुछ मैं सॉल्व करूंगा। आज तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं हम। और क्वेश्चन पेपर ढूंढोगे और मेरे को भेजोगे? अभी तो एक ही मिला है मुझे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर बस, ठीक है? क्योंकि है ना इसमें एयर पोल्यूशन एंड नॉइज कंट्रोल में मार्क्स अच्छे लाने हैं आपको। और क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी भी एक्टिव की कोई बुक नहीं है जो कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया जाए, तो जो एक ही पेपर अभी मिल पाया है इसका मेरे को 19-20 का, इसी के रेफरेंस से लेके हम स्टडी करेंगे। तो इसमें एक ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत बस, ठीक है? इसमें ए सेक्शन को ही हम आज देखेंगे। तो ए सेक्शन में आपका दो दो नंबर के हैं, 7 क्वेश्चन। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ भी चुका हूँ शायद एसटी में, व्हाट इज स्टैक प्लूम, ठीक है? तो चीजों को लोगे तो अपनी लैंग्वेज में तो उसको फिर है ना वहाँ पे लिखने में आसानी होती है। क्या होता है ये स्टैक प्लूम, मैंने भी पहली बार ही आज पढ़ा है, क्या होता है? जो आपका किसी भी इंडस्ट्री में जो आपका धुआं निकलता है, चिमनी से जो धुआं निकलता है उसी को हम प्लूम बोलते हैं, और जो आपका सोर्स होता है उसको हम स्टैक बोलते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है इसमें देख लेते हैं। देखो द डिस्पर्शन ऑफ इमिटेड गैसेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर प्रोडक्शन इज नोन एज प्लूम एंड द सोर्स इज नोन एज स्टैक। तो इसको अभी से बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, किसी सोर्स से जो हमारा डिस्पर्शन हो रहा है, गैसेस इमिट हो रही हैं, उसी को हम प्लूम कहते हैं, उस सोर्स को स्टैक कहते हैं। तो सिंपल सा दो नंबर का है, अगर ये दो नंबर का है तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से चिमनी बना के ना, और इस तरीके से ये दिखा भी देना, इस तरीके से, इस तरीके से। तो कोई भी गैस किसी सोर्स से इमिट हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, तो उसी को हम प्लूम कहते हैं, सोर्स को बोलते हैं हम इसको स्टैक। अब ये डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, टाइप डिपेंड करता है कि जो प्लूम, ये जो निकल रहे हैं फ्लेम्स, जो निकल रहे हैं गैसेज, जो निकल रही हैं किस टाइप से निकल रही हैं, उसी पे इसका डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है। वो भी देख लेते हैं एक बार, क्या पता ये भी पूछ ले। क्या है ना, विंडो फोटो प्रीव्यू आता था एक पुराना, उसमें एकदम से कोई भी फोटो ओपन हो जाती थी। अब ये इन्होंने विंडो 10 में चेंज कर दिया, इसमें घंटे लगते हैं एक फोटो को।
ठीक है देखो, इसमें वही चिमनी से वही धुआं निकल रहा है, गैसेज निकल रही हैं, लेकिन अगर वो इस टाइप में निकल रही हैं जो फर्स्ट कैटेगरी आप देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं लूपिंग। सेकंड है कॉनिंग, कॉन की शेप में अगर निकल रहे हैं तो कॉनिंग, फैनिंग इस तरीके से निकल रहे हैं तो फैनिंग। ठीक है, क्या लिखा है, फ्यूमिगेशन, इस फॉर्म में निकल रहे हैं, ऊपर स्ट्रेट लाइन है और नीचे की ओर ये जा रहे हैं, और अगर लॉफ्टिंग की तरह निकल रहे हैं तो ये लॉफ्ट, और ट्रैपिंग में निकल रहे हैं तो ये ट्रैप, किसी एक दो एक्सिस पे ट्रैप हो गए हैं, बस उसी डायरेक्शन निकल आ रहे हैं। तो लूपिंग याद कर लो अभी से, कि प्लूम, स्टैक प्लूम के टाइप्स क्या होते हैं, लूपिंग, कॉनिंग, फैनिंग, फ्यूमिगेशन, लॉफ्टिंग, ट्रैपिंग। ठीक है, तो ये आपके 6 तरीके हैं, तो इस तरह से शेप भी बना सकते हो उसको, थोड़ा सा एक बार देख लेना। लूपिंग, कॉनिंग, कॉनिंग तो पता ही चलेगा कौन की शेप में है, और एक ट्रैपिंग, ये दो तो ऐसी नाम से याद हो जाएंगे, कॉनिंग में कौन की शेप में निकला, ट्रैपिंग में जो धुआं निकल रहा है वो दो हॉरिजेंटल लाइन के बीच में निकल रहा है बस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये है आपके प्लूम स्टेक के टाइप्स। तो इसके बारे में 2 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा के में आएगा नहीं 2 नंबर में, लेकिन 2 नंबर में वो पूछ सकता है व्हाट इज प्लूम स्टेक एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लूम स्टेक। तो ये टाइप्स भी एक बार के लिए याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखो ये क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन में कह रहा है वन सब्सटेंस इज टेकन अप टू इनटू द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस अदर सब्सटेंस। ठीक है, कोई एक सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस में मिल जाता है फिजिकली तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है केवल उसकी सरफेस तक, उसके अंदर नहीं जाता है, तो उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। और इन दोनों में क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट यानी कि अट्रैक्ट जो हो रहा है और जो कर रहा है, इसी तरह जो एब्जॉर्ब जो हो रहा है और जो एब्जॉर्ब कर रहा है, इन दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इस प्रोसेस में। इसकी एक और डेफिनेशन है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, अगर 2 नंबर में उतना तो लिखेंगे नहीं जितना अभी मैंने दिखाया। एब्जॉर्प्शन में क्या, इट इज द प्रोसेस बाय विच एटम्स मॉलिक्यूल एंटर सरफेस पे होते हैं, नॉट इन बल्क, इट्स बल्क फिनोमिना, इट्स द सरफेस फिनोमिना, इट इज एंडोट्रॉपिक प्रोसेस इज एक्सोट्रॉपिक प्रोसेस, सेम थ्रू आउट द मटेरियल इन दिस कंसेंट्रेशन एट द सरफेस डिफरेंट देन दैट बल्क ऑफ एब्जॉर्बेंट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना। तो 2 नंबर में अगर आता है तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 क्वेश्चन होंगे। थर्ड, डिस्क्राइब द इंडोर एयर पोल्यूशन एंड नेम एनी 4 इंडोर एयर पोल्यूशन, ये तो आपको बताना पड़ेगा, वो मैं पूछता हूँ। अदनान, अदनान है, अमन गुप्ता, अंकुश, देखो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं फाइनल ईयर में स्पेशली, कि साइन इन करा, क्लास ज्वाइन की और रख दिया कहीं मोबाइल, है ना, अपने काम में लग गए। ठीक है, ये वाला लेक्चर बहुत बोरिंग होता है, सब्जेक्ट ही ऐसा है बिल्कुल प्योर थ्योरी है, कुछ बुक्स भी नहीं है, डाटा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा सुन भी लोगे ना, थोड़ा सा दिमाग में एक बार स्ट्राइक भी करते कोई चीज़, थोड़ी आसानी हो जाएगी पेपर देने में, वरना इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा डाटा है, एक रात में एक दिन में कैसे पढ़ोगे, और वो भी मटेरियल अवेलेबल ना हो, कैसे करोगे, मेरी
पीपीटी ढूंढोगे, मैम ने जो भेजी हुई वो ढूंढोगे, कोई कोई पीपीटी 50-50 पेज की है, मतलब उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना कैसे करोगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें, है ना। कुछ नहीं लिख पाओगे उसमें, कॉपीज ढंग से चेक होगी तो बहुत नंबर कट जाएंगे। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखो, थोड़ा सुन लिया करो बस, इसमें जितना पढ़ाया जा रहा है पूरा 40 मिनट इसके लेता भी बाद नहीं हूँ। फ्री होगा चलो ठीक है, जो सुन रहा है मैं इसको बता देता हूँ क्या है ये। हाँ, इंदौर एयरपोर्ट से, यानी कि घर के अंदर किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर आउट एटमोसफेयर में कोई पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंदौर की बात कर रहे हैं। जनरली हम अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है क्या दिया हुआ है जो मैंने डाटा निकाला इंटरनेट से, लेकिन उससे पहले ऐसी जनरल एक बात करते हैं। अगर मेरे घर में मैं देखूँ कि कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं, तो एक तो कुकिंग से पोल्यूशन होता है, ठीक है, एयर कंडीशन से पोल्यूशन होता है, और आपका कुकिंग, एयर कंडीशन, आपका सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, क्या कहते हैं हम जो वेस्टेज फेंकते हैं बाहर, और क्या हो सकता है आपका, फ्रिज से होता है पोल्यूशन, है ना, और आपका, तो ये मेरे को जनरली याद आ रहे हैं अभी। तो इस तरह से आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा अपना सोच के लिख सकते हो। अब देखते हैं कि डाटा क्या कहता है हमारा। ये एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन का थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं। इसमें क्या दिया है, बाथरूम में, ठीक है, मोल्ड, मिल्ड्यू, ऑडोर एंड अदर माइक्रोबाइकल पैंथोजेंस, एयर कंडीशन, अनेबल टू रिमूव पैंथोजन्स वो एवर सी ऑडोर सर्कुलर विदाउट वेंटिलेशन, रूम, लिविंग रूम, एनिमल हेयर डस्ट, टेंडर, तमाकू, स्मोक, डीजल पार्टिकल्स, ये सब होते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका, बेडरूम, लॉन्ड्री रूम, किचन, तो ये सब क्या आते हैं, इंडोर पोलूटेंट है। चिमनी से जो धुआं निकल रहा है वो आपका ये सोर्स हो गया, फिर आपका घर, और ये आउटडोर में पोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो बहुत जितनी भी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं ना, सबसे पोल्यूशन तो होता है, कोई टेम्परेचर बढ़ाता है, कोई कुछ चीज़ करता है, ठीक है। और आपका बाथरूम में भी आप कोई केमिकल यूज़ करते हो उसको क्लीन करने के लिए, जब आप साबुन यूज़ करते हो उसका जो पानी, सर्फ का जो पानी जाता है सीवर में, ये सब क्या है, पॉल्यूशन है, इंदौर पोल्यूशन। नाम पूछ ले जाते हैं तो नाम कुछ ऐसा मत देना, ये कह रहा है इंदौर घर के अंदर ही होता है। मैंने बहुत सारे इनमें जो नाम बताए ना वो आउटडोर भी बता दिए हैं, आपको वो पोल्यूशन का नाम देना है इसमें जिसमें, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट इमिट हो रहा है वो घर के अंदर ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका किचन के वेस्टेज की, तो बाहर फेंकते हैं, लेकिन किचन किचन का जो आपका होता है ना, चिमनी भी लगी होती है, किसी के घर चिमनी नहीं लगी तो किचन का जो स्मोक है वो घर के अंदर कमरों के अंदर आ जाता है, ठीक है। लोग तमाकू वमाकू फेंक के घर के अंदर ही कुछ हल्का फुल्का उसका डस्ट गिर जाता है, एनिमल हेयर डस्ट हो गया आपका, ठीक है, उससे भी फ्रीज से भी कुछ गैसेस निकल रही है, एमिट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बैक साइड से, तो ये हो गया। तो वो ऐसे पोलूटेंट का नाम बताना है जो घर में ही रह गए, हमें फिर वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसे पोलूटेंट का नाम नहीं बताना। वो तो स्टार्ट तो हो रहे हैं, इमिट तो हो रहे हैं आपके घर से, लेकिन उनका डिस्पर्सन हो रहा है आउटसाइड, तो वो आपका फिर आउटडोर वाले एयर पोलूटेंट हो गए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द लैप रेट DLR एंड ELR, देखते हैं क्या है ये। वट इज लैप रेट, लैप रेट इज द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर डिक्रीज एज एटीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। द लैप रेट टेल द हाउ मच द टेम्परेचर डिक्रीज इन द हायर इन द एयर वी गेट, द हायर यू आर इन द एटमोसफेयर द कोल्डर द टेम्परेचर विल, इसका फॉर्मूला है ये आपका DT/DA, ठीक है, इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिक्रीज चेंज इन टेम्परेचर ओवर द लैटिट्यूड। तो ये लैप
है, आपको इतना ही लिखना होगा किसी दो नंबर के क्वेश्चन में, एक डेफिनेशन लिख दो और एक ये इक्वेशन लिख दो, बस काम चल जाएगा इसी से। अब जो दो चीज और पूछी है, डी एल आर पूछा हुआ है और ई एल आर पूछा हुआ है, उसकी बात करेंगे। तो ये जो आपका एडियाबेटिक लैप्लेसेट होता है, ये दो टाइप का होता है, एक ड्राई होता है वो डी एल आर, और एक होता है आपका मॉइस्ट वो ई एल आर जो होता है वो, उसको ही कहते हैं, ठीक है। तो एडियाबेटिक लैप्लेसेट इज बेसिकली इन्वायरमेंट लैपलेस बींग अफेक्टेड बाय द सैचुरेटेड ऑफ द एटमोसफेयर। एयर इज मॉइस्ट वैन इट सैचुरेट बाय द वाटर वेपर एंड ड्राई वेयर इज नॉट मच वाटर वेपर। तो एक में वाटर वेपर है, एक में वाटर वेपर नहीं है एटमोसफेयर में जब हाइट कम जाते हैं। तो लाइक इन्वायरमेंट एडियाबेटिक कैन बी अफेक्टेड वैन द एटमोसफेयर स्टेबल और नॉट। वैन द एटमोसफेयर इज स्टेबल एंड एडियाबेटिक रेट डिक्रीज फास्टर एल्टीट्यूड दैन द इन्वायरमेंट लैप्लेस रेट बट नॉट बाय मच। इफ द एडियाबेटिक रेट इज ड्राइंग ड्यूरिंग स्टेबल एटमोसफेयर दैन द एटमोसफेयर डिक्रीज मच फास्टर दैन बहुत मोस्ट एडियाबेटिक रेट। मतलब एटमोसफेयर किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड कर रहा है आपका लैप्लेस रेट। आप ऊपर की ओर जा रहे हो, टेम्परेचर किस रेट से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है। एक ड्राई है जिसमें मॉइस्चर नहीं है, एक आपका मॉइस्ट है जिसमें मॉइस्चर है। व्हाट डू यू मीन बाय अकॉस्टिक? Acoustic is a interdisciplinary science that deals with the study of mechanical waves in the gases, liquid and gases. देखो इसको gases, liquids and solid, including vibration, sound, ultrasound, infrasound. इन सब में इसको use किया जाता है. Scientists who work in the field of acoustic उसे acoustician कहते हैं. And while someone working in the field of acoustic technology called acoustic engineer कहते हैं उसे. The application को present almost all aspect of modern society with obvious being the audio and noise control industry. The word acoustic derived from the Greek meaning, इसकी मीनिंग है for hear or hearing and ready to hear. ये इसकी आपका ग्रीक मीनिंग है. द स्टडी ऑफ acoustic revolve अराउंड द जनरेशन propagation एंड रिसेप्शन ऑफ मैकेनिकल वेव एंड वाइब्रेशन. ये आपका acoustic. What are the different layer of atmosphere? ये तो आपने सभी ने जवाब दिया था इसका, तो आपका टेस्ट हुआ था. अकोस्टिक ये वही डेफिनेशन है आपके. व्हाट इज द ब्रांच? ठीक है, ये एटमोस्फेयर है, सबको पता है. ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, साथ में उसका टेम्परेचर रेंज और साथ में किलोमीटर रेंज. तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको तीनों चीज बतानी होंगी इसमें, ठीक है. ये तीनों चीज होता क्या, मैं बताता हूँ आपको. एक टीचर जो कॉपी चेक कर रहा होता है, भले टीचर ने ना पूछा हो, बस ये पूछा हो नेम द एटमॉस्फेयर लेयर. तो एक बच्चे ने एटमॉस्फेयर लेयर के नाम लिख दिए हैं, एक बच्चे ने बढ़िया तरीके से डायग्राम बना के रेंज भी लिख दी गई है, और रेंज वाली कॉपी पहले आ गई टीचर के पास, ठीक है. टीचर ने उसको 2 out of 2 मार्क्स दे दिए. अब उसके बाद दूसरी कॉपी आई, इसने केवल नाम दिए हुए हैं, टीचर क्या करेगा, उसे 1.5/2 दे देगा. सर अगर वो पहले आ जाए तो? पहले आ जाए तो ये हो सकता है कि वो 2/2 उसको दे दे, और फिर दूसरे को भी 2/2 दे दे, फिर वो 2/2 देता जाएगा. ऐसा होता है किसी किसी के साथ, ठीक है. तो अगर तुम्हें आता है तो क्यों छोड़ो, टाइम है और आता है डायग्राम बनाना, रेंज पता है तो लिख ही दो. अगर नहीं, टाइम नहीं है, रेंज नहीं पता, तो मत लिखो. ये है बस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सम ऑफ द स्पेशल नॉइज इन, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मेरे को भी अजीब सा क्वेश्चन लगा. व्हाट इज द नेम ऑफ सम स्पेशल नॉइज एनवायरनमेंट? ये तो मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, मुझे कुछ मिला नहीं है ऐसा. कोई जानता हो तो बताओ. स्पेशल नॉइज एनवायरनमेंट,
स्पेशल क्यों लगा दिया? नॉइज एनवायरनमेंट इंडस्ट्री हो गई, आपका ट्रैफिक हो गया, रोड पे हो गया, तो ऐसी जो ये नॉइज एनवायरनमेंट है, लेकिन स्पेशल नॉइज एनवायरनमेंट क्या हो गया? ऐसा कोई वर्ड मेरे को इंटरनेट पर नहीं मिला है, किसी को मिले तो सर्च कर लेना, और अगर ना भी मिले, मुझे भी नहीं मिला और क्वेश्चन ये आ जाए, तो आप जो जो जगह हैं, जो जो एरिया नॉइज पॉल्यूशन है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई, इंडस्ट्री हो गई, ना आपका ट्रैफिक हो गया रोड पे, ठीक है, कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है, ये हो गया, आपका वेडिंग एनवायरनमेंट हो गया, वहाँ पे पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन, तो आप ये सारे नाम लिख देना अगर आपको ना मिले इसका आंसर तो। ठीक है, तो ये था, और आगे जो सेक्शन बी है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, और ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये अरुण शुक्ला का जरूर बताना मेरे को, जो भी कांटेक्ट में हो मेरे को कॉल कर ले, अरुण शुक्ला, ठीक है, और अब आप लीड कर सकते हो इस क्लास को।